तैयारियां की और जिस तरह से वो रिजल्ट दे रहे हैं, और PSL के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हमारे साथ सीनियर तजिया निगार मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जनाब राना अब्दुल्ला साहब, और उनसे जानते हैं जनाब कि किस तरह जो है वो इनका हो रहा है और क्या देखते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और PSL के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए? ठीक है सर। वीडियो के पहले स्पोर्ट्स चैनल 94 में आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं जनाब। जी जी शुक्रिया, ये बड़ी खुशी हुई है मुझे जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में ये पाकिस्तान का पहला चैनल है FM 94 रेडियो पाकिस्तान की जानिब से। तो बीइंग मैं क्रिकेट का प्लेयर रहा हूँ तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है रेडियो पाकिस्तान की जानिब से, इसे हम खुशाइन कहते हैं क्योंकि हमारे दौर में तो ये नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है जदीद टेक्नोलॉजी में तो रेडियो पाकिस्तान में भी एक तब्दीली आ गई है और ये बहुत ज़बरदस्त तब्दीली है और इसे हम बड़ा मोस्ट वेलकम करते हैं जी। एग्जैक्टली, तो PSL के हवाले से कैसा देखते हैं आपको सिक्योरिटी के हालात जो हैं और किस तरह जनाब फैंस और स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं खिलाड़ी हैं उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम पर क्या नज़र डालते हैं? देखिए सिक्योरिटी तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा हाई प्रूफ है कि मतलब सिक्योरिटी देखकर भी खुशी हो रही है कि इतनी ज़बरदस्त किस्म के जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, बड़े मुनज़्ज़म सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं और इतना पुरसकून माहौल क्रिएट कर दिया गया स्टेडियम में क्रिकेट के, कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इतना मतलब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं मैच देखते हुए कि उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी। जनाब ये कैसा है कि कलंदर जो है वो शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, आप देखते हैं कि दोबारा भी वो चैंपियन बन सकते हैं? मुझे लग रहा है, तो मेरी जाती राय है। बिल्कुल, लाहौर कलंदर के लिए तो मेरी अपनी भी विश है क्योंकि मैं खुद भी लाहौर से क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो लाहौर कलंदर को मिलना भी चाहिए और आना भी चाहिए क्योंकि लाहौर कलंदर की बहुत मेहनत और स्ट्रगल है इस PSL और हमेशा हर PSL में रहती है, उनकी बैड लक हो जाती है उनके साथ किसी न किसी बड़े मैच में या किसी न किसी छोटे मैच में, तो इस बार उन्होंने अपनी जो जितनी भी खामियां हैं उनको उन पर कवर किया है और जो उनकी खूबियां हैं उनको उन्होंने सामने रख के अब वो PSL का हिस्सा बन रहे हैं और खेल रहे हैं PSL को, और अभी तक तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि लाहौर कलंदर जो है ये जो PSL का मार्का है वो ज़रूर अपने साथ लेगी। और एक और सवाल सर, शाहीन अफरीदी दोबारा फॉर्म में आए हैं और इसके साथ साथ फखर जमान पर अगर नज़र डाली जाए तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कमबैक किया, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए शाहीन अफरीदी तो ओवरऑल ही ज़बरदस्त परफॉर्म है, बाकी आपको पता है कि परफॉर्म जो है वो कभी बंदे की ख़राब भी हो जाती है, कोई ना कोई इंजरी की वजह से हो जाती है या कोई रेस्ट हो जाता है किसी ना किसी तरीका से, ठीक है, लेकिन ओवरऑल शाहीन अफरीदी एक ख़तरनाक बॉलर है, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक अच्छा जो उनके ऊपर तवक्कोआत की जा रही हैं शाहीन अफरीदी के ऊपर वो उन पर ज़रूर पूरा उतरेगा और ये उनके लिए एक ज़बरदस्त जा रहा है PSL शाहीन अफरीदी के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका स्पोर्ट्स FM 94 के रेडियो पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल के साथ जुड़ने का, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम वेलकम।